नमस्कार दोस्तों, क्लासरूम वीडियो में और एक बार फिर मैंने पहले वादा किया था कि आप लोगों को हीरो ट्यून सिखाएंगे, नोटेशन देके कैसे किया जाता है। और ये होगा आज हमारा पंडित जी यानी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक ट्रिब्यूट। तो आप लोग सभी ने जानते हैं कि हीरो फिल्म में ये ट्यून उन्होंने बजाया था, तो इसीलिए ये ट्रिब्यूट उनके लिए। तो आज क्लासरूम वीडियो में हमने हमारा सब स्टूडेंट को बोलते हैं, क्या बजाना चाहिए क्या? सब जोर से बोलो। हाँ, तो सभी जोश में हैं अभी, तो हमने शुरू करेंगे। और कुछ कमेंट ऐसा आया था कि हमने जब ये हीरो ट्यून के बारे में जिक्र किया था तो कुछ कमेंट हमको ऐसा मिला था कि उन्होंने बोला था कि थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके इसको बजाना है। हाँ दोस्तों, हमने इम्प्रोवाइज करके इसको बजाएंगे पहले, फिर जाके हमारा स्टूडेंट जो है वो बजाएगा। तो पहला बात ये है कि इसमें है ये जो मधुर धुन जो है जो तैयार किया गया है वो शिवरंजनी राग के ऊपर है, लेकिन इसमें कोमल निषाद और तीव्र मध्यम का प्रयोग है। कोमल गंधार जो शिवरंजनी में होता ही है, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, और इसमें कोमलनी और तीव्र मध्यम का प्रयोग है। तो दोस्तों ये हम थोड़ा सा बजा रहे हैं अभी, तो गौर से सुनिए कैसे एक शिवरंजनी राग का ऊपर निबद्धित एक ट्यून कितना मधुर हो सकता है। और पंडित जी ने तो बहुत ही बाखूबी इसको निभाया है, हम उसको कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुरू कर रहे हैं इम्प्रोवाइज ऑफ हीरो थीम। शिवरंजनी में ऐसा नहीं होता है, फिर भी ये ट्यून के लिए हमने बजा रहे हैं।
अभी जो है नोटिशन हमने बोर्ड में नोटिशन रखा हुआ है, तो इसको पहले पढ़ देते हैं। नोटिशन जो है सा पा धा पा, धा का ऊपर जो पंछी जैसा चिन्ह दिया गया है वो है सा पा धा पा दा दा दा, एक मुर्गी आएगा दा पा गा सा गा रे सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा, ये दो बार सा पा धा पा धा पा गा सा गारे सारे सनसर 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 सा, दो बार सा पा धा पा धा पा गा सा गारे, सेकंड टाइम गारे सा, क्रॉस दिया हुआ है वहां रुकना है, कट कर देना है सा पा धा पा धा पा गा सा गारे सा गा गारे, कोमल गा है गा गारे, तीव्र मा मा पा धा सा सा नी कोमल नी दा पा मा गा सा सा पा दा पा दा पा गा सा गा रे सा रे सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा सा पा दा पा दा पा गा सा गा रे सा गा गा रे मा पा धा सा सा नी दा पा मा गा सा। तो एक बार हमने इसको रिदिम पे बजा रहे हैं कारवा ताल में, वन टू थ्री फोर पढ़ते हैं, वन टू वन टू थ्री फोर सा पा दा पा दा पा गा सा गा रे सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे पा दा पा दा पा गा सा गा रे सा गा गा रे मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा सा सा पा दा पा दा पा। थोड़ा सा नोटेशन को बड़ा करते हैं, सा पा धा पा धा पा गा सा गा रे सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा पा धा पा गा सा गारे सा गा गा रे मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा सा। ये लाइन दोबारा पढ़ रहे हैं यहां से गा गा रे मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा सा सा पा दा पा दा पा गा सा गा। आप लोग बेफिक्र रहिए, ये नोटेशन जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पूरा का, जो ये जेपिक फाइल है वो हम दे देंगे, बजाने में आसानी होगा। पहले कुछ कुछ लोगों ने हमको कमेंट करके बताया कि व्हाइट बोर्ड में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नोटेशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी आप
ये नोटेशन आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो ट्यून आप लोगों ने सुना है वो हमारा ये स्टूडेंट लोग बजाएगा। पहले कौन बजाएगा बोलो, सन बजाएगा वो? चलो तो सारण ने बजा दिया है। अभी अभी कौन बजाएगा? हाँ अभी बजाएगा ये सुब्रनील। 1 2 3 4 गागरे रे का बाद दो रेस्ट हैं। गागरे 1 2 मा पा मा अप्पा, मा का बाद एक डॉट है। रे मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा सा, एक बार उठा लो ठीक से। चलो सा पा 1 2 3 4 हाँ बजाओ बजाओ बजाओ। ओके तो जो कोमल गंधार और कोमलनी का थोड़ा सा प्रयोग जो है वो जिन लोगों ने ये प्रयोग जानता है उन लोगों के लिए आसानी है।
ठीक है, अभी बजाएगा प्रत्याशा। प्रत्याशा बजाओ। ओके, वेरी गुड। तो सा पा धा पा धा पा गा सा गा रे सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा। तो ये जो है जो नहीं बजा सकेंगे तो वो प्लेन सा बजाइए, जो रिकॉर्ड में है वो ऐसे ही है, सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा। ओके, अभी बजाएगा ज्योतिरादित्य। रिदिन देते हैं, सेकेंड टाइम जो है गा रे सा गा गा रे मा पा धा। बहुत अच्छा बिट्टू ने, बहुत अच्छा बजाया। अभी बजाएगा कीर्तानु। कीर्तानु बजाओ। वेरी गुड, और एक बार बजाओ। वन टू थ्री फोर। ना गा रे सा सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा। तीन फोर। गा रे सा क्रॉस किया हुआ है, गा रे सा सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम मतलब ये दो दाढ़ी है, ये जो दो दाढ़ी दिया गया है सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम थ्री फोर। सा पा दा पा दा पा गा सा गा अरे सारे सनिसरे 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 सा पा दा पा गा सा गा अरे सा गा गा रे मा पा धा सा सा नी धा पा मा गा सा सा पा धा पा। बजाओ और एक बार बजाओ। वेरी गुड। सा सा नी धा पा मा तिब्रमा।
बहुत अच्छा, तो कृतानु ने भी बहुत अच्छा भजा दिया है। अभी अब हम दिखाएंगे कि ये तो डी डी को सा करके हमने दिखा दिया है, तो अभी इसको रे को जो हम सा करेंगे, अगर हम सी स्केल का बांसुरी लेंगे तो इसमें रे सा हो जाएगा और वहाँ से बजाना भी आसान है। तो वहाँ से हम अगर बजाएंगे तो कैसे सुनने लगेगा। हम अभी ये सा जो है वो डी में ही है, तो ये देखिए तबला दे दिया, तो ये था हीरो थीम का। कोई इंप्रोवाइज बजाओगे? हाँ, कौन सा स्केल में? सी में, डी शार्प, डी। चलो बजाओ।
बहुत अच्छा बजाया है। और कोई बजाएगा इम्प्रोवाइज? नहीं बजाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आप लोगों को यही बताना है कि ये जो ट्यून है ये बाखूबी से आप लोग भी सीख सकते हैं। एकदम सरल सा सीधा सा नोटेशन है, हमने जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके हमने ये इसको नोटेशन को लिखा है। जिसको तीव्र मध्यम, कोमल गंधार और कोमल नी ये आता है, उन्होंने आसानी से ये बजा सकेगा। तो फिलहाल क्लासरूम का आज का वीडियो जो है वो हम अंत कर रहे हैं। सबको हमारा प्यार, धन्यवाद और नमस्कार करके हम ये यहाँ खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।